सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ हिडन टर्म्स, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आपका क्वेश्चन जाके स्टक हो जाता है, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ में उसका प्रॉपर फॉर्मेट बताएंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों? बिकॉज ICAI के मॉड्यूल में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। बट जब बात आती है सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नवंबर 2019 का पेपर मेरे पास है और इस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट में रिक्वायर्ड ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को दिया गया है। अब आपके माइंड में जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा कैसे, कौन से ऐसे टर्म है जो हमें इससे रिलेट कराने चाहिए। तो जरा चेक करते हैं एक एक पॉइंट को, चीजों को ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और साथ में रिकॉर्ड करते चलिए। देखिए सबसे पहली बात यह आती है, जब हमारे माइंड में वर्ड आता है बिजनेस, तो बिजनेस वर्ड दिमाग में आने पर दो चीज दिमाग में क्लियर होती है कि भाई एक होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है जी, जहां पर हम कर रहे होंगे प्रोडक्शन, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा होगा हमारा ट्रेडिंग कंसर्न। दैट मीन्स जहां पर हम स्टॉक परचेस करेंगे, सेल करेंगे, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई टास्क नहीं करने वाले। अब क्वेश्चन यह है सर, ट्रेडिंग जब हम बात कर रहे होंगे ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक की जो कैटेगरी है वो एक ही है, ओपनिंग स्टॉक, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्लास 11th के बचपन से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। बट ये अधूरी बातें थी, अब थोड़ा सा आप इनडेप्थ जानेंगे। ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का सर? फिनिश्ड गुड्स का। क्यों सर? यही तो स्टॉक है जो हमें सेल आउट करना है। क्लोजिंग स्टॉक किस चीज़ का? अगेन फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। बट ये तो बात हुई ट्रेडिंग की, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया भी होगा तो आपने डेबिट साइड में लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में लिखा होगा टू लाइक बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आप टू या बाय ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, ये स्टॉक कौन सा है? फिनिश स्टॉक है। अब सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जब बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। हम बात करते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर स्टॉक की थ्री कैटेगरीज हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है आपका रॉ मटेरियल, सेकेंड नंबर पे स्टॉक आता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है, और थर्ड नंबर पे आपका स्टॉक आता है फिनिश्ड स्टॉक। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि हम फिनिश स्टॉक का ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे होंगे? ट्रेडिंग में। इसका सीधा सा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, आज का वीडियो मैन्युफैक्चरिंग पर है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग में हम लाइक फिनिश को ट्रेडिंग में दिखा रहे हैं, मतलब साफ हुआ मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस को हमें शो करना है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, बट हाँ क्यों बनाया जाता है? आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और पर्पस ना पता हो तो मज़ा नहीं आएगा। देखो यार, सबसे पहला पर्पस यार, इसको पढ़ने से आपको मार्क्स मिलेंगे जो बड़ा ही वाहियात सा है, बट अब बता दे रहा हूँ क्या करते हैं। देखो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना क्यों रहते हैं? हमें जाननी होती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप CA इंटरमीडिएट पे आओगे तो वहाँ पे आप इसको और बेहतर इन डेप्थ पढ़ोगे हर एक चीज़। बट क्या होता है, कुछ होते हैं ना मैन्युफैक्चर ऐसे जो कहते हैं भाई हम खरीद के बेच तो रहे हैं, बट जो कुछ चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ये हमें जरा बता दो, जिससे हम लाइक आज का कॉम्पिटिशन मार्केट का थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, गला काट प्रतियोगिता, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होगी तो हम स्मार्ट वे में लाइक कम प्राइस पर ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे और ऐसे हमने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। शुरुआत करते हैं, बट ध्यान रखेंगे जो हिडन टर्म्स बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना कि कौन कौन से ऐसे टर्म है जो बहुत साइलेंटली क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए चेक करते हैं। सो मेरे साथ में आप बना लेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हम बनाने चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब क्या होगा, एक बात और बताता हूँ, अगर आपने कोई वीडियो कहीं फॉर्मेट देखा है उस पर बेस्ड मत होइएगा, क्योंकि ICAI में आप कहते हो ना सर पेपर का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें आपको करनी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आगे लिखेंगे आप इन द बुक्स ऑफ उनका नाम होगा, ठीक है। फिर आप लिखने वाले हैं फॉर द लाइक, आप ये वर्ड आप ऐसे चेक कर लो, आप जब लिख रहे होंगे इन द बुक्स ऑफ लिख लेंगे, इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले होगा किसकी बुक में आप लिख रहे हो, किसके यहाँ अकाउंट बन रही हमारी, फिर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ब्रैकेट में नोट करेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी ईयर होगा वो ईयर हम यहाँ पर मैंशन कर देने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात आती है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है नॉमिनल अकाउंट की अप्रोच यूज़ होनी है, तो हमारा जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे,
पर्टिकुलर अमाउंट एज इट इज शो करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आपको बात दिमाग में रखनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते वक्त एट द एंड कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या यू कह लीजिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, बात ठीक है। तो वो कैसे होगा सर, पहली बात तो दिमाग में ये रखनी है हमें रॉ मटेरियल यूज़ करना है और साथ के साथ हमें बात करनी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब साफ हमें ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल टच नहीं करना, हमारा जो फोकस होगा किन चीज़ों पर होगा आई चेक करते हैं। सर ब्लैक पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू पेन भी करूँगा आगे चल के, लेकिन अभी आपके लिए ब्लैक पेन यूज़ करके दिखा रहा हूँ बिकॉज आईसीआई की डेडलाइन है भाई, ब्लैक पेन ही यूज़ करनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी आपकी टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे होगा सर, देखो जरा आपको लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आरएम में यहाँ पे रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कर लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और प्लस कर लेंगे कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सारा प्लस करने के बाद इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि तीन तरह के स्टॉक हैं, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल और WIP का हमें यहाँ लेना है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमें ऐड करना होगा डायरेक्ट वेजेस और जितने भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वो सारे ऐड कर देने, ठीक है। ऐसा करने से सर हमें मिल जाने वाली है प्राइम कॉस्ट, आप इसको चाहें तो लिखें ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही होगा, ठीक है। ये आप नोट कर दिया, ओके सर इसके बाद क्या करना है, सर अब लिखना है हमें टू, आज पूरी कोशिश 10 मिनट आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, टू फैक्ट्री ओवरहेड। अभी फैक्ट्री वर्ड में ध्यान क्या रखेंगे सर, फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे होते हैं, देखो यार जब फैक्ट्री की बात आई तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो इसके अंडर में आते हैं, एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री के सुपरवाइज़र की सैलरी हो गई। अभी नॉर्मली कैसा होगा, अगर सुपरवाइज़र सैलरी बोल रहा है तो आप उसको बेझिझक उठा के लिखोगे PL में, है ना, जो कि गलत हो जाएगा अगर फैक्ट्री सुपरवाइज़र लिखा है तो, ध्यान रखना। इसी के साथ में रॉयल्टी, ये भी एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी है क्या सर, जो आप प्रोडक्शन जब कर रहे होते हो तो किसी का अगर आपने कोई एरिया जो ऑक्यूपाई करा है यूज़ करा है तो उस पर जो पैसे खर्च होंगे उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। इसी के साथ में रिपेयर कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर उस पर्टिकुलर मशीन जिससे प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड कोई खर्च हो रहा है तो वो भी यहीं जाने वाला, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह भी, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है जी, ये सारे खर्चे हो जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे डेबिट साइड में और कोई हेड नहीं आने वाला, क्या क्या दिमाग में रखना है, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ओके, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थर्ड नंबर पे फैक्ट्री के जो भी खर्चे हो रहे हैं, दैट्स इट। अब जाएंगे क्रेडिट साइड में, सबसे पहले हम लिखेंगे बाई प्रोडक्ट्स, ये बाई प्रोडक्ट्स क्या है, देखो यार आप जब जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, एग्जांपल के लिए मान लो किसी टेलर के पास आपने कोई शर्ट डिज़ाइन करने के लिए दी, तो जब वो शर्ट या सूट आपके डिज़ाइन कर रहा है तो जितना क्लॉथ दिया है क्या एग्जैक्ट उतना देगा, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो कट करेगा, जो कट कर रहा है उससे भी अगर उसको सेल किया जा सकता है उसी को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई बार क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट में आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, वो ध्यान रखेंगे, इसका जो अमाउंट हमें लिखना है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखा जाएगा, ठीक है जी, कौन सी वैल्यू पर, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो आपको बाय प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद रिसीव होती है, क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका बाय, एक बात और यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं, फैक्ट्री के खर्चे लिखने के बाद ही करेंगे, ध्यान रखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ का होगा, अगर हम मान लेते हैं ये 2017 में हम बना रहे हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस 2016 पे होगा, जो ये बताता है कि भाई कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिखा तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, बाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, बस और कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड करके डेबिट साइड का एडिशन करके आपको क्या करना है, आप डेबिट साइड के एडिशन करके क्रेडिट के ये दो हेड माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो होगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, ब्रैकेट नोट करेंगे ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट,
इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखेंगे कैसे आया है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस करने के बाद। सर अगला क्वेश्चन ये आता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा आ गया, इसका अगला यूज क्या है? सिंपल सा यूज है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला वर्ड जो हमने स्टार्ट करा था, मटेरियल बताते हुए आपको तीन स्टॉक बताए थे, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल WIP, तो सर यहाँ आ गया रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, ये यहाँ पे चला आया है। क्या बचा सर? फिनिश स्टॉक ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहला वर्ड टू ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? फिनिश स्टॉक वाला ही होगा। इसके बाद टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लिखा है ना ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाकी जितना ट्रीटमेंट था वो सारा का सारा सेम होगा। सर अब आपकी क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा वो जरा सुन लीजिए। अभी जो पेपर रिसेंटली हुआ था उसका क्वेश्चन मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक बात है, आपको उसे लगाना होगा। अब एक पार्ट और है, कुछ हिडन टर्म बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं, क्योंकि ये ICI का पेपर, बीकॉम का पेपर तो है नहीं। कौन से ऐसे हिडन टर्म हैं जहाँ पर आपका माइंड ज़्यादा यूज होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहाँ पर स्मार्ट गेम खेल सकता है और आपसे नहीं खेल पाएगा बिकॉज आप सिटीजन हो, ध्यान से सुनो। हिडन टर्म कैसे बन सकता है, मान लो क्वेश्चन बोल देता है कुछ मिसिंग वैल्यूज दे दिया, ठीक है। अभी आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करो, एग्जांपल ले लो, मान लो यहाँ पे बोलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 4000 यूनिट, यूनिट में बात कर रहा हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 3000 यूनिट, विच इज़ क्वाइट गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर हज़ार यूनिट जो है वो सेल दिखाती या फिर बाय प्रोडक्ट दिखाती है, ठीक ऐसे ही अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP आपका यूनिट में दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP भी यूनिट में दिया गया है, तो डिफरेंस को आपको देखना होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड मान लेते हैं आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही मिसिंग कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और देखना है, जब भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन होगा तो मेक श्योर क्वेश्चन में कुछ तो ट्रिकी पार्ट है। इवन दो अगर आप 2019 नवंबर वाला पेपर भी आज जो क्वेश्चन पोस्ट करूंगा देखना, वहां भी यूनिट्स लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन में एक बात और, आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे आएगा अगर क्वेश्चन में यूनिट दी, मान लो यहाँ पे डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के दो हेड लेस करने के बाद यहाँ बचता आपका 150,000 और आपने तैयार करनी 30,000 यूनिट, तो आप लाइक क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, बात ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन भी करने को क्वेश्चन बोल सकता है, ठीक है जी। बाकी ऐसा कोई स्पेशल टर्म नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करे, चीज़ें बहुत ही सिंपल होंगी। तो आज का काम सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें तैयार करना है, साथ में जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन करना है, और साथ में सर कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो रात 12 बजे तक आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करूँ। एक और बात इंपॉर्टेंट है वो ये, हमने अभी तक BRS और सारी थ्योरीज कवर कर ली है, आंसर आज मॉर्निंग मैंने पोस्ट कर दिया था, तो आई होप आपका ये इतना तो क्लियर है। तो आज इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अपने मार्क्स में और ऐड कर लो, और मिलता हूं कल नई क्लास में, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।